एवरीबॉडी, मैं हूं आपका अपना शेफ हरपाल सिंह सोखी और आज मैं घर बैठे आपको सिखा रहा हूं कि राइस कैसे बॉयल करते हैं। घर पे जनरली सभी लोग प्रेशर कुकर यूज करते हैं, बट आज मैं बॉयल राइस सिखा रहा हूं और उससे कुछ और चीजें बनेंगी जो हिंदुस्तान की बहुत इम्पोर्टेंट है इस वक्त, जैसे कि पकल भात या पांता भात। ठीक है जी, उसके लिए ड्रेन्ड मेथड वाला राइस यूज करना है और शॉर्ट ग्रेन राइस। मैं यूज कर रहा हूं अपने घर में अंबे मोर राइस। अच्छा, अब अंबे मोर राइस क्या होता है मैं आपको बताऊं। हर एक स्टेट का एक अपना अपना राइस वैरायटी होता है, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो अंबे मोर राइस जो है महाराष्ट्र के फुटहिल्स पे, जो वेस्टर्न घाट्स के फुटहिल्स वगैरह पे ये राइस पैडी फील्ड्स होती है, ये राइस वहां होता है। और इसका जो फ्लेवर है ना, थोड़ा सा मैंगो की ओर आता है। जब ये राइस आप उबालते हैं बहुत बढ़िया सी खुशबू आती है, और वैसे राइस में भी बहुत बढ़िया खुशबू आती है। अब शॉर्ट ग्रेन राइस है करके बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये दाने आप देखें कितने छोटे हैं, तो ये दाने देखें कितने छोटे हैं। तो अब ये दाने जो हैं, ये हमने ले लिए, ये देख रहे हैं ये बोल मैंने इतना बड़ा सा लिया, तो मेरे घर में जो कटोरी मेजर है वो लगभग 1.5 कटोरी मैंने ली है। अब वो भी आपको बता देता हूँ, जैसे ये वाली कटोरी है तो ये 1.5 कटोरी मैंने ली है। अब ये घर के मेजर्स जो है होम क्वारंटाइन में सीखने को मिल रहे हैं। अब राइस को एक बार धो लेते हैं। ठीक है, ये लीजिए, करने के बाद ये सोक कर लेते हैं लगभग 15 मिनट। एक पतीले में पानी उबालने के लिए रख दिया, लगभग 5.5 कप पानी लिए हैं और इसमें नमक डाल लेते हैं थोड़ा सा। और अगर राइस में आपको बेहतरीन खुशबू चाहिए तो तेज पत्ता जरूर डालिएगा। और मेरे घर का ये जो मेजर है ये कप मेजर है, और ये मैंने लगभग 5 कप डाले हैं इसमें, लगभग 1.5 कटोरी राइस के लिए। तो जैसे ही उबलेगा राइस, पानी जैसे उबलेगा फिर हम राइस डाल के उबालेंगे। तो जैसे ही राइस का पानी जो हमने चढ़ाया वो बॉयल होने लगे, राइस जो हमने सोक करके रखा है उसका पानी फेंकें, और ये राइस डाल देते हैं इसमें बॉयल करने के लिए। पानी जब बॉयल हो और उसमें से ये राइस के दाने देखिए ऊपर नीचे होंगे बॉयल होते वक्त, तब बीच बीच में स्टर करते रहें, और पानी इतना होना चाहिए कि राइस को बॉयल होने में पूरी जगह मिलनी चाहिए। इसलिए पानी हमने काफ़ी सारा लिया है ताकि जो ग्रेन्स जब आप छानेंगे वो बिल्कुल अलग अलग हो। अभी ये देख रही धीरे धीरे, देखिए ये धीरे धीरे फूल रहे हैं दाने, अभी पूरे तैयार नहीं हुए। अब देखिए पानी क्योंकि एकदम ज़्यादा था, एडिक्वेट था, फूलने के समय मिला राइस को, और राइस के दाने बढ़िया पक गए हैं। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया ऐसे दबा के देख सकते हैं। अगर बीच में अगर आपको दाने कड़क लगे तो मतलब थोड़ा सा समय और बाकी है, अभी बीच में थोड़े से दाने अभी सख्त हैं, थोड़ा सा समय बाकी है। लेकिन देखिए पहले लग रहा था पानी बहुत ज़्यादा है, अब क्योंकि हमने जगह दी है राइस बिल्कुल बढ़िया फ्लफी बन रहे हैं। अब चलिए राइस बिल्कुल तैयार है और अब इसको छान लेते हैं। छानने के लिए मैंने यहाँ पे तैयारी करके रखी है, ये देखिए 2 छन्नी, एक प्लास्टिक का और एक राइस कोलैंडर ये ले रखा है। और ये जो पानी है मैं फेंकूंगा नहीं, इसको स्टील के एक बर्तन में हांडी में वो हम निकाल के रखेंगे। और ये लीजिए, ये देखिए ये पानी बचा लिया है मैंने, क्योंकि इसके साथ हम कुछ बनाएंगे आगे। और ये जो कोलैंडर है राइस का ये मैं निकाल लेता हूँ, ये हांडी में डाल लेते हैं
मैंने गैस ऑन करके रखा है और इसे थोड़ी देर तक ढक के पकाएंगे, लगभग 30 सेकंड तक तेज आंच पे, ताकि जो थोड़ी बहुत स्टीम है वो निकल जाए और फिर बढ़िया राइस तैयार हो जाएगा। पुराने जमाने में घरों में ऐसे ही करते थे। अगर आपको राइस बिल्कुल और दानेदार चाहिए तो आप निकाल के एक ट्रे में रख सकते हैं और ठंडा कर सकते हैं। पुराने जमाने में ऐसे करते थे। जैसे ही स्टीम आने लगेगी बंद कर देंगे, लगे तो आप राइस बंद कर दीजिए। ध्यान रखें कि राइस नीचे नहीं लगना चाहिए। अब इसे ढक के रख सकते हैं और बॉइल्ड राइस की तरह खा सकते हैं। ये देखिए,